is applied a potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron. तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उस इलेक्ट्रिक आयरन में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा जाता है 250 वोल्ट का, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का है? 250 वोल्ट का। इट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, तो रेजिस्टेंस कितना है? 500 ओम रेजिस्टेंस है इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट, फर्स्ट पॉइंट है करंट, सेकंड है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट में है करंट, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। It implies that I is equal to V upon R. V कितना है? 250 और R कितना है? 500. 0 से 0 कट गया, 25 1 जा, 25 2 जा, तो 1 upon 2 का मतलब हो गया 0.5 एम्पियर। 1 upon 2 का मतलब हो गया 0.5 एम्पियर। तो सबसे पहले जो करंट है, करंट निकालने के लिए तो कोई हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसमें हमको सिर्फ ओम्स लॉ लगाना था। सेकेंड पूछ रहे हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड्स, तो हीट एनर्जी बतानी है और हीट एनर्जी जूल्स में ही आती है। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड्स, तो आई है हमारे पास, आर है और टाइम बोला उन्होंने 10 सेकेंड्स। हाँ जी, तो आई की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस कितना है? 500 इनटू टाइम कितना बोल रहे हैं? 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड वाला है ये। स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये कितना हो गया? 5000 पॉइंट गया, तो नीचे आ गया 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो 25 5 जा 125, उसके यहाँ से जीरो लगा दीजिए, तो 1250 जूल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट तो पेज नंबर 34 पर जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। तो मुझे करंट किस तरह से निकालना है? हमारे को ये मालूम है कि अगर चार्ज दे रखा हो और टाइम दे रखा हो तो चार्ज अपॉन टाइम से करंट की वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाल देते हैं इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो क्यू इज इक्वल टू 96,000 कूलम और टाइम कितना दे रखा है? 1 आवर। तो 1 आवर, आर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती, तो हमको स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट निकालनी होती है, वो होती है सेकंड, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड्स। तो Q हो गया और T हो गया, तो करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q कितना है? 96,000 अपॉन T कितना है? 3600। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 12 3 96 12 8 96 और 0 से 1 0 आ गया, तो करंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 80 अपॉन 3 एम्पीयर।
ठीक है, करंट की वैल्यू 80 अपॉन 3 एम्पीयर आ गई। उसके बाद देखिएगा, अब ये बोलते हैं हमसे कि थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, तो ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है मेरे पास, करंट दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो वोल्टेज कितना दिया उन्होंने 50 वोल्ट, V is equal to दे रखा है 50 वोल्ट, ठीक है, V is equal to 50 वोल्ट है, तो हम ये कहेंगे हीट एनर्जी मतलब H is equal to V into I into T, ये दिया है। अब देखिएगा कि V कितना दे रखा है 50, समझ रहे हैं ना मेरी बात, हम I square R बोलें या V I बोलें, एक ही तो बात है, पावर इंटू टाइम ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है, तो V कितना है 50, I कितना है 80/3 और टाइम कितना बोल रहे हैं वो 1 आवर, तो 1 आवर को मैं क्या लिखूंगा 3600 सेकंड, ठीक है 3600 सेकंड्स, प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं तो ये इधर आ जाएगा, हालो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो V इंटू आई इंटू टी, तो टी कितना है 3600, ये भी एक एग्जांपल याद रहेगा, मतलब 3-4 महीने में अभी हाइट बढ़ी है इसकी, पहले इतनी हाइट नहीं थी, और यही टाइम होता है ये 10th 11th 12th, किसी किसी की बढ़ती है वैसे 12th में, मतलब 10th और 11th ये दो ही साल है हाइट बढ़ने वाले, चलिए, और ये शायद मैंने आपको बताया ही था, ये एक निशान लगा रखा है, बताया था मैंने आपको, ये इधर लिखा हुआ है निशान लगा रखा है, आदित्य तिवारी लिखा हुआ है यहाँ पर, बताया था कि नहीं, ये एक एग्जाम्पल है, शायद इससे लंबा लड़का अभी तक तो आया नहीं हमारे यहाँ पढ़ने, 6.5 फुट का है वो, देखो वो निशान लग रहा है, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है उसका, ठीक है ना, तो इससे लंबा कोई नहीं था, बाकी हो सकता है शायद तुम्हारी हाइट हो या तुम्हारी, मतलब खड़े होकर देखना यहाँ पर जाते टाइम मैंने, हाँ इसकी हो सकता है, इसकी हो सकती है, वो भी ऐसे इतना लंबा, मतलब वो, और वो उसके पास वो मोटरसाइकिल थी, वो 9th क्लास में आया था मेरे पास पढ़ने, 12th तक पढ़ा, तो धीरे 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 उसकी हाइट बढ़ती गई, 9th में भी अच्छा खासा लंबा था, और बुलेट पर आता था तो उसके हैंडल से आगे तक तो उसके घुटने जाते थे, उस पर भी अजीब लगता था, कितना लंबा, इतनी भी नहीं होनी चाहिए, 6 फुट तक ठीक है, 3 12s are 36, अच्छा 2 0 यहाँ पर डाल दिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि 12 5s are कितना हो गया 60, 12 5s are 60 और 2 0 इधर है 1 0 इधर है, अब इसको ना एक काम करिए, 1 2 3 4 5 इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की बजाय आप ऐसे लिखते हैं 48 × 10^5 किलो जूल में लिख सकते हो, किलो जूल के लिए क्या करना होगा 3 0 हटा देनी है, 3 0 हटा दो और किलो लगा दो बस, 48 × 10^5 जूल ये हो गया, या 4800 किलो जूल लिखोगे तो भी ठीक है। बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स, और ये वाला मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, परसों आपका टेस्ट है ना, या तो यही क्वेश्चन या इसके जैसा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, तो आपको बता दिया, हिंट दे दिया, इसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है बच्चे तब भी नहीं कर पाते, तो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके का कुछ रेशो वाला क्वेश्चन जरूर दूंगा, ठीक, तो देखिएगा, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटीरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combinations would be, तो क्या है, दो conducting wire हैं same material के हैं, जब same material है तो भाई उनकी resistivity same होगी, material से किस पर फर्क पड़ता है, resistivity पर, resistivity मतलब rho, वो उनकी same होगी, equal length यानी कि दोनों की length same है, l same है, equal diameter, तो diameter का मतलब क्या है, diameter का मतलब radius दे रखा है, और radius दे रखा है तो wire जो भी होता है, कोई भी अगर wire है, कोई भी अगर वायर है तो वो जो वायर है उसमें अगर डायमीटर दे रखा है तो बेटा ये आर दे रखा है ना,
तो कुल मिलाकर हमें इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है एक तरह से। अगर दोनों वायर्स का डायमीटर सेम है, यानी कि उनका रेडियस सेम है, मतलब उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और रेसिस्टिविटी, ये तीन चीज़ें सेम दे दी उन्होंने। तो हम ये कहेंगे रेसिस्टेंस ऑफ वायर वन इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, और वायर टू का भी रेसिस्टेंस यही है, रो एल अपॉन ए। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि दोनों वायर का मटेरियल सेम तो रेसिस्टिविटी सेम, लेंथ सेम तो मतलब लेंथ सेम, डायमीटर सेम तो एरिया सेम, तो इसका मतलब रो एल अपॉन ए दोनों का है भाई, आर वन और आर टू दोनों हमारे इक्वल आ जाएंगे, रेसिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे, समझ गए? ठीक है, उसके बाद अब मैं बात करता हूँ, इन्होंने बोला कि दीज बोथ टू वायर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। तो देखिएगा केस फर्स्ट, है सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में मैंने क्या करा कि एक वायर यहां पर लगाया तो उसका रेसिस्टेंस आर वन है, दूसरा वायर यहां लगाया उसका रेसिस्टेंस आर टू है। जब दोनों इक्वल ही हैं तो इनको आर के इक्वल मान लो, ब्रैकेट में लिख दो सेम, आर के इक्वल मान लीजिए, नहीं एक काम करो एक्स के इक्वल मान लो, एक्स के इक्वल मान लीजिए, तो आर वन भी हमारा एक्स ओम और आर टू भी एक्स ओम, जब दोनों सीरीज में लगाए जाते हैं और दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी, और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, अब क्या करेंगे हम, R निकालेंगे, R मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो सीरीज में क्या होता है दोनों का एडिशन, ठीक है, तो क्या हो गया भाई x प्लस x मतलब 2x, x प्लस x मतलब 2x, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 2x आ गया। तो अब हम ये बोलेंगे कि इस केस में रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया, वोल्टेज मेरे पास है ही, तो हीट कैसे निकाली जा सकती है, हीट यानी कि एच वन मैंने कहा तो वो मैं ये कह दूंगा कि वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर से पावर आ जाएगी मेरे पास भाई, पावर इंटू टाइम होता है, पावर इंटू टाइम होता है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि मैं करंट निकालूं, इट्स बेटर कि मेरे पास वी है और आर मैंने निकाल ही लिया, आर कितना 2x है, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो पावर का हो गया, इंटू टाइम, ठीक, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी और अपॉन आर कितना है 2x, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दीजिए, समझ गए यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, नहीं आप ये देखिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा कि दोनों के रेसिस्टेंस सेम है भाई, दो कंडक्टिंग वायर है, उन्होंने बोला उसकी रेसिस्टिविटी सेम, उनकी लेंथ सेम, उनका डायमीटर सेम, रेसिस्टिविटी और लेंथ रो और एल तो सेम हो गए, डायमीटर सेम तो एरिया भी सेम, तो मैंने ये कहा कि दोनों का रेसिस्टेंस इक्वल हो गया इसका मतलब, और उस इक्वल रेसिस्टेंस को मैंने एक्स के बराबर मान लिया। अब हम ये कहते हैं कि जो हीट है ना, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ये चाहे तो आप वी आई टी लिख दो, चाहे P इंटू टी लिख दो, चाहे आई स्क्वायर आर इंटू टी लिख दो, मतलब पावर को ही मैं V इंटू आई भी लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ और V स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब दोनों को ऐसे कनेक्ट करा गया तो एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस V पर हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब V की वैल्यू दे रखी है, वो V की टर्म्स में ही रख दो उसको, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, V की टर्म्स में रख दीजिए, तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वही V स्क्वायर अपॉन आर क्या हो गया, पावर हो गया ना, नहीं v स्क्वायर अपॉन आर पावर हो गया, पावर इंटू टाइम टेकन, तो v स्क्वायर अपॉन आर कितना निकाला था मैंने 2x, v स्क्वायर t अपॉन 2x, पक्का अभी क्लियर है। अब उसके बाद अब मैं दूसरा केस देखता हूँ, ये था सीरीज कनेक्शन वाला केस, अब हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो केस सेकंड देखो पैरेलल कनेक्शन, प्रेसिडियम वाले तुम तीनों प्रेसिडियम में हो और तुम भी प्रेसिडियम, तुम्हारे प्री बोर्ड कब से, कब से, अच्छा कब से, कब तक, 23, और रैंक वालों के चल रहे हैं, उनके चल रहे हैं, और
और तुम्हारे कहाँ है भाई परिवर्तन? 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गए। स्टार्ट हो गए। और मैथ्स का हो गया, साइंस का कब है? हो गया सर। अच्छा दोनों ही हो गए इतनी जल्दी कर, कितना गैप दे रहे हैं भाई? अरे एक ही दिन का गैप है, एक एक दिन बस। दो दो दिन का तो देना चाहिए था, मतलब मैथ्स में भी एक दिन, साइंस में भी, एसएसटी में भी एक दिन। एसएसटी के लिए तो 2 दिन है। वही मैं कह रहा था, एसएसटी में तो बच्चे चक्कर खा देते हैं ना, इसलिए। या कर रखा है वो सर? एसएसटी कर रखा है क्या सर? तो R1 इसकी वैल्यू भी है। इस्तेमाल कब से? 9 से सबके इसी दौरान है आस पास। अच्छा एक मेरा सजेशन है, आप लोग मानना ना मानना देखिए आपके ऊपर है। एक मेरा सजेशन है कि अब जैसे कि आप प्री बोर्ड दे रहे हैं, इसमें तो जाना आपकी मजबूरी है। मेरा सजेशन ये है कि जाना छोड़ दो अब स्कूल, ठीक है? हाँ मतलब प्री बोर्ड के बाद का भी मैं बता रहा हूँ कि अब मत जाइए, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। उनका काम है, देखिए वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो टीचर्स हैं स्कूल में, उनको जैसी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो वैसा करेंगे। तो वो तो आपको बुलाएंगे कि आप आओ, उनको ये लग रहा है कि भाई पढ़ाने से सब कुछ होगा। और हालांकि टीचर्स को अंदर से भी पता है कि इस टाइम अगर मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने का उतना महत्व नहीं है जितना आपका खुद का पढ़ने का है। तो खुद से पढ़ाई करिए, जो भी डाउट आए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे 2 बैचेज हैं 3.5 से 4.5, 8 से 9, उन दोनों में तो सारे बच्चे ओपनली इन्वाइटेड हैं, आ सकते हो। उसके अलावा भी किसी बच्चे को कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो ना कि इस टॉपिक पर मुझे स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, मुझे नहीं आ रहा है समझ में, या पुराना है, मेरे ज्वाइन करने से पहले आपने कराया था, मैंने नहीं कराया, मुझे बता दो, मैं करा दूंगा, ठीक है? ये दिसंबर का महीना है, इसमें जितना हम कर सकते हैं कर लेंगे मैक्सिमम। और टोटली फ्री हो जाइए स्कूल से और अपना खुद का शेड्यूल बनाओ, जो भी आपका पूरा दिन है उस पूरे दिन का पूरा आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए नहीं कह रहा, इंग्लिश से भी परसेंटेज इंप्रूव होती है, तो थोड़ा थोड़ा ना इंग्लिश भी पढ़ना शुरू करो, चाहे दिन का आधा घंटा दो लेकिन पढ़ो उसको, हिंदी भी पढ़ो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं धीरे 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 परसेंटेज बढ़ा देते हैं। मैथ्स का क्या है, सबसे धोखेबाज सब्जेक्ट है, जरा सा प्लस का माइनस हुआ हो गया ना गड़बड़, ठीक है ना? ये सेम साइंस में है तो मेरे को बता देना, जिस बच्चे को जो भी डाउट हो मेरे को आप चाहे तो लिख कर दे देना, चाहे व्हाट्सएप कर देना, शेड्यूल पर मैं बना दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, जिस बच्चे को जो भी डाउट हो, मतलब ऐसे आप बता रहे हो मैंने सुन लिया, दिमाग से निकल जाएगा, तुमने क्या बताया, तुमने क्या बताया, तुमने क्या बताया, सब निकल जाएगा दिमाग से। आप व्हाट्सएप करके छोड़िए, अगर मेरा मैसेज अनसीन रहेगा ना तो समझ लेना अभी तक मैंने देखा नहीं है उसको, मैं उसको देख कर शेड्यूल बना लूँगा, एक जगह लिख दूंगा और मैं आपको बुला दूंगा। तो इसमें बस इतना रहें कि अब स्कूल का कि सर मेरी बस इस टाइम आती है, नहीं सर मैं उस टाइम तैयार होकर जाता हूँ, भाई छोड़ दो, अब सेल्फ स्टडी से ही आप लोगों की जीत होगी। अब कोई टीचर अंदर नहीं उतरेगा, मैं भी नहीं उतरूंगा अंदर। तो मेरा भी ये कोशिश है, मेरा भी ये टारगेट है कि आप लोग आएँ, आप लोग आएँ। अगर आपको लगता है कि नहीं भी मुझे बैठकर पढ़ाई करनी है, बैठो पढ़ो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अभी फॉर एग्जांपल मेरी 3:30 बजे क्लास चल रही है, तो 3:30 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद मेरी रात में 10 बजे तक क्लास चलती है। आपको लगता है कि सर नहीं मुझे कुछ बीच बीच में कुछ डाउट आएंगे मैं पूछ सकता हूँ, बाजू में कमरा है खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर बैठो पढ़ो कोई भी डाउट है। आपको लगता है कि मैं 2 घंटे मैथ्स नहीं कर पाता हूँ, ये मैं जनरल प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स के साथ में होती है कि हम मैथ्स करने तो बैठते हैं लेकिन सर जैसे ही अटकते हैं ना हमारा मोरल पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, हम आगे फिर कर ही नहीं पाते। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप उसको करने बैठो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक हल्के से पुश की ज़रूरत है तो वो पुश देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, आप बैठिए, आप करिए 1 घंटा 2 घंटा यहाँ सामने बैठना, सामने बैठ कर करो। लगता है कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके कानों में आवाज़ पड़ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, बराबर वाले रूम में बैठ जाओ। तो मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी, दिसंबर भी है आपके पास, जनवरी भी है। हाँ जहाँ 10-12 जनवरी निकला ना आप चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी फिर, और वही टाइम है वहाँ तक वो आपको खींचते रहेंगे, आओ 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 स्कूल में आओ, क्या है स्कूल में क्या खिला दोगे तुम? तो कर लिया ना पूरा साल गए तो ना स्कूल, ठीक है? तो अब कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। और
कुछ जो हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी जो अटेंडेंस है वो मेंटेन रखी है थ्रू आउट द ईयर, तो अब वो आराम से छुट्टी ले सकते हैं। और जिनकी मेंटेन नहीं है भाई वो भी ले सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे ये, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इन सभी स्कूल वालों को, सबको ये चाहिए कि भाई हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, कोई ख़राब रिजल्ट नहीं चाहता। आप घर पर बैठकर भी अगर बढ़िया रिजल्ट देते हो ना तब भी वो कहेंगे हमारा स्टूडेंट है, बहुत बहुत मेहनत करी है हमारे यहाँ के टीचर ने। भाई टीचर ने कुछ मेहनत नहीं करी, बच्चे ने करी है मेहनत, ठीक है ना। तो टीचर हमेशा गाइडेंस के लिए, और आप देखेंगे कि अगर स्कूल में भी आप जाएंगे ना तो वहाँ पर भी टीचर कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे इस टाइम। इस टाइम वो भी आपको मौका देंगे कि हाँ भाई मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप बैठो, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप करो इन चीज़ को। तो स्कूल में भी यही होता है। नहीं देखो 500-500 क्वेश्चन है ना, 500 क्वेश्चन अगर कोई उनको खुद को भी दे दे तो भी वो डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन बिठाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ्स और साइंस पर लगे रहे तो टोटल सब्जेक्ट्स तो 6 है ना, सब्जेक्ट्स तो 6 हैं, मैथ्स और साइंस टोटल कितना बनाते हैं, 200, बाकी 400 को छोड़े बैठे हो, वो भी तो परसेंटेज बनाएंगे ना। तो भाई हिंदी भी कर दो, साइंस भी, वो अपना सोशल साइंस भी कर दो, इंग्लिश भी कर दो, उसके साथ कौन सा आपका सब्जेक्ट होता है, आईटी वगैरह, वो जो भी आपने वो ऑप्ट कर रखा होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो मेरा ये आपको सजेशन है कि आप टाइम टेबल बनाइए, और मीठा मीठा उतना ही खाना चाहिए कि उसकी जो है इच्छा बनी रहे। मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, कि मैथ्स उतना ही करो कि उसकी इच्छा बनी रहे, यानी कि आज तो लग गए 5 घंटे तक मैथ्स, अगले दिन मैथ्स को देख कर ही उल्टी आ रही है, ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा खाओ, मतलब आज पता चला कि मीठा खा लिया खूब, अगले दिन से मीठे को देख कर ही नहीं, भाई नहीं दिखा मत मेरे को, बस हो गया मेरा, तो है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो पागलों की तरह लगे पड़े हो एक सब्जेक्ट पर और अगले दिन से गायब ही हो गया। और ये प्री बोर्ड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये जो प्री बोर्ड आपके चल रहे हैं इसमें आप सब अपना खुद का कैलिबर खुद चेक कर पा रहे हो इस प्री बोर्ड में। और हर बच्चे के मन में पढ़ते टाइम ये आता है कि यार काश इतना मैं पूरे साल अगर पढ़ लिया होता ना तो टॉपर नहीं होता है ना, ये एक दिन में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो वो दिन हर दिन रिपीट करना है, वो दिन हर दिन रिपीट करना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली उसमें। और भाई फिर से एक जो है, चाहे हाथ जुड़वा लो चाहे कुछ भी, भाई मोबाइल फ़ोन को जो है ना बाय बाय कर दो। मोबाइल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन इस टाइम बर्बाद कर रहा है बच्चों को। और ये अब नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा जून में, जून 2023 में जब रिजल्ट आएगा ना, और फिर देखोगे भाई कितने हैं वो ना। मेरा भी रिजल्ट डाउनलोड नहीं हुआ भाई, बाद में बात करूँगा, है ना। तो वो ऐसे निकलते हैं ना, जो मेरा रिजल्ट डाउनलोड नहीं हुआ, वो डाउनलोड हो चुका है, वो लुढ़का पड़ा है वो, है ना। अब वो बात कर रहा है इधर उधर, यार कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए कि कंपार्टमेंट के लिए लगे पड़े हो। अच्छा, और इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान दे देना भाई, इंग्लिश के कंपार्टमेंट में फेल माना जाता है, इंग्लिश का कंपार्टमेंट नहीं होता एग्जाम, पता है ना। अगर कोई इंग्लिश में फेल है तो उसको टेंथ दोबारा करनी पड़ती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना, इंग्लिश को हल्के में मत लेना, ठीक है। कुछ भी समझ लीजिए, मदर टंग है या कुछ भी है, जो भी है भाई, इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। तो आधा आधा घंटा अच्छा सुनिए, ये अभी सुनिए, अभी जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना, इनमें से एक बच्चे ने ये पूछा है कि हमारे ऊपर एक, शायद आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा होगा कि जो आपके प्री बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड के बेसिस पर आपको स्ट्रीम चलेंगे वो, है ना। अभी अगर प्री बोर्ड में कोई लड़का फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया, उन्होंने कहा तेरे को ह्यूमैनिटीज़ में डालेंगे, ह्यूमैनिटीज़ में डाल दिया, आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्च का लास्ट वीक समझ लो, या अप्रैल का, मतलब आपके 10-12 अप्रैल तक फ्री हो जाएगा। अब वो जो बचा हुआ दिन है ना अप्रैल के, वो अपनी ज़िंदगी जी लेना, एंजॉय कर लेना। उसके बाद 1 मई से जो है, 1 मई से आपकी 11th चालू हो जाएगी। अब डिपेंडिंग ऑन योर प्री बोर्ड्स रिजल्ट, आपको वो साइंस वाली क्लास में बिठा देंगे, या ह्यूमैनिटीज़ वाली में, या कॉमर्स वाली में, जो बिल्कुल गया गुजरा है उसको ह्यूमैनिटीज़ में बिठा देंगे। अभी पता चला उसकी तबीयत खराब थी और उसके प्री बोर्ड में नंबर कम आए थे, और वो लगातार कह रहा है टीचर से कि सर वो मेरे को साइंस दे दो, मैं हूँ, मेरे अंदर कुछ है ना, तो मुझे, मेरे बारे में आप गलत सोच रहे हो, मेरी तबीयत खराब थी। वो सुनने को दे, निकल यहाँ से, निकल निकल। अब पता चला जून में रिजल्ट आ गया, लड़के के नंबर आ गए बहुत अच्छे, 90% से ऊपर आ गए मार्क्स। तो उसके बाद फिर आप आगे आगे घूमोगे और स्कूल मैनेजमेंट पीछे पीछे। आप आगे आगे क्यों घूमोगे, आपके पास अलग अलग जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनके पास से कॉल्स आनी शुरू हो जाएगी, डेटा बेस है सबका, सब स्कूलों का सबके पास डेटा बेस है, कॉल्स आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, हम ना आपको साइंस स्ट्रीम भी दे रहे हैं और हम आपको 50% फीस का डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, इस चीज़ को स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो वो स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। डीपीएसजी का अभी कोई बच्चा है? डीपीएसजी का ऑनलाइन नहीं, आदित्य नहीं है। तो डीपीएसजी वाले क्या करते हैं, डीपीएसजी वाले 70-80% तक भी स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। तो डीपीएसआर के, गुरुकुल के, छबील दास के, इधर उधर के जो क्रीमी स्टूडेंट्स हैं ना, बढ़िया बढ़िया, जिनके 90% से ऊपर हैं, वो सारे, वो उनको 60-70% जब फीस में डिस्काउंट देंगे, बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर ये हो जाता है जी, डीपीएसजी का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो 7-7, 8-8 सेक्शन बन जाते हैं। टीचर्स, अब जिस बच्चे को 10th में जीतने की आदत पड़ गई, इतना अच्छा करने की आदत पड़ गई, वो 11th-12th में खाली कैसे बैठ जाएगा? उसको तो अपना वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके दिखाना है ना कि हाँ भाई मेरे इतने नंबर आए थे, मैं 12th में इससे भी ज़्यादा लेकर आऊँगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि प्री बोर्ड में अगर हमारे नंबर हमारी एक्सपेक्टेशन या हमारे टीचर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़े से कम रह गए, तो वो हमको हमारी मनपसंदीदा स्ट्रीम नहीं देंगे। और स्ट्रीम जो है ना, स्ट्रीम में बच्चों का भी जो मन है वो बदलता है। वो ऐसे बदलता है कि भाई आप अभी तो साइंस वाली क्लास में बैठे हुए हो, ठीक, और आपकी क्लासेस हो गई मई से स्टार्ट, आपको जून जुलाई तक आपने 2 महीने पढ़कर देखा, लेकिन आपको नहीं यार ये साइंस ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा इसमें, ठीक। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो चाहेंगे कि नहीं मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, मैं कॉमर्स में जाना चाहता हूँ, वो कॉमर्स में चले जाते हैं। कुछ ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं, वो बोर होने लगते हैं, उनको ये लगता है कि यार ये तो मतलब ये तो नहीं सोचा था ना मैंने कि आगे पढ़ाई ऐसी होगी, ठीक है। तो अब वो जो है वो अपने आप कॉमर्स या साइंस की तरफ जाते हैं। लेकिन अगेन यही है कि परसेंटेज आपको अच्छी अपनी बनानी है। तो कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। आपका जो बोर्ड का रिजल्ट है, बोर्ड का रिजल्ट मैटर करेगा, और उसके लिए अब खुद को टाइम देना पड़ेगा आपको। तो वो टाइम अगर स्कूल में ख़राब करोगे ना, एक तो सर्दियों में ये नालायक नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, ये भी बड़ी गड़बड़ है। तो कहाँ पहले 7-7, 8-8 घंटे सोते थे, 12-12 घंटे नींद आ रही है सर्दियों में, उसके अलावा आपने 8 घंटे स्कूल को दे दिए, 12-8 बीजिए, 4 घंटे में क्या कर लोगे? नहाना भी है, खाना भी खाना है, सारे काम कर लो, मोबाइल फोन है ना, तो मोबाइल फ़ोन बाकी का बचा कुचा टाइम ना पी जाए आपका, तो उसको ज़रा साइड में रखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि पढ़ाई इस टाइम तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर ज़्यादातर बच्चे कर चुके हैं, या जिन्होंने नहीं करी है, जो जो टॉपिक उनका बचा हुआ है भाई बता देना, तुम बता देना, अपने अयान बता देना, कोई भी टॉपिक तुम्हारा छूटा हुआ हो, ठीक है, कोई तुम्हारा छूटा हुआ हो, कोई टॉपिक, कुछ भी, किसी भी बच्चे का कोई टॉपिक छूटा हो भाई मेरे को बता देना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस इतना है कि अपना शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल तभी बनेगा जब अब स्कूल को नमस्ते कर दो कि भाई अपनी अब जरा बाद में दिखाएंगे चेहरा अपना। तो वो जो बात है वो बात वही है, थोड़ा आइसोलेशन में चले जाइए और सिर्फ पढ़ाई, 3 काम करने हैं, पढ़ना है, खाना है और सोना है, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, कुछ नहीं। और जिस तरीके से ठीक लगे, कोई मतलब पेरेंट्स कहते नहीं मैं चेयर पर बैठ कर पढ़ाई करूँ, और नहीं बैठा जा रहा है और 2 घंटे से ज़्यादा हो गया कमर में दर्द, तो ठीक है ना, लेट कर पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन पढ़ो, ठीक है। अभी लेट कर पढ़ते पढ़ते फिर जो है वो पता चला नहीं पैरों में दर्द हो गया, अब थोड़ा सा मूवमेंट ज़रूरी है, तो टहलते हुए पढ़ो। तो अपनी पोजीशन चेंज करो, बार बार पोजीशन चेंज करिए, थोड़ा बैठ कर कभी पढ़िए, कभी टहलते हुए पढ़ो, है ठीक है, मतलब बेड पर बैठ गए वैसे पढ़ लिया आपने, आलती पालती मार कर बैठ गए, मतलब पोजीशन चेंज करते रहिए। और एक एक घंटे में ना सब्जेक्ट भी चेंज करो, फिर 2-3 घंटे अगर लगातार हो गए तो उसके बाद रिफ्रेशमेंट के लिए आपको लगता है कि नहीं मैं तो मोबाइल फ़ोन में गेम खेलूँगा, तो आप अपनी आँखों को और थका रहे हो, फिर उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ पाओगे, फिर आँखें लाल हो जाएंगी, फिर नींद आएगी। तो मोबाइल फ़ोन में मत घुसो उस टाइम ना 15-20 मिनट या 1 घंटे की पावर नैप ले लो, नींद ले लोगे, फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद उठकर थोड़ा बहुत घूम लो, घर से थोड़ा बाहर निकल आओ, लेकिन टाइम पर नज़र रहनी चाहिए कि ये टाइम है, इतने बजे मैं निकला था, अब मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा करिए, पूरे दिन को निचोड़ दो आप, तो तब जाकर आपका काम बनेगा। और यकीन मानिए सिलेबस आपका बहुत कम है, आपके जो सीनियर्स हैं उसके भी ऊपर वाले जो सीनियर्स हैं उन सब ने बहुत ज़्यादा सिलेबस करा है, आपके बहुत टॉपिक्स कटे हुए हैं, तो इस वजह से आपका सिलेबस कम है, आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। किसी भी बच्चे को दोबारा बता रहा हूँ भाई, कैसी भी ज़रूरत हो हेल्प की, बताना ज़रूर, अपने मन में मत रखना कि ये मेरा टॉपिक रह गया, ये चीज़ रह गई या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। किसी को ये लग रहा हो कि मैं मैथ्स का पढ़ने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, साइंस पढ़ने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, वो भी बताऊँगा, लेकिन पूछने का काम आपका है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अभी पैरेलल वाला जो कनेक्शन है, पैरेलल वाले कनेक्शन में अभी क्या करना है, 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो जो पैरेलल कनेक्शन का केस है, पैरेलल कनेक्शन के केस में हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, 1/r1 + 1/r2 करके,
तो 1/r इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x, तो 1/r इज इक्वल टू कितना हो गया 2/x, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया x/2। तो अब मैं इस केस में हीट ट्रांसफर जो हीट है हीट एनर्जी इस केस में निकालूंगा, तो हीट एनर्जी कितनी हो गई भाई h2। उस केस में फर्स्ट केस का तो h1 ले लिया, सेकंड केस है तो h2 क्या हो जाएगा v2/r। और जब हीट प्रोड्यूस्ड निकाल ही रहे तो दोनों का टाइम ड्यूरेशन हम सेम रखेंगे, यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन टी रखा, यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन टी रखा, ठीक। बस v2/r है तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा मेरा x/2। R कितना है x by 2 multiplied by t। एक तरीका बताता हूँ जिसमें कभी गलती नहीं होगी आपसे, कई बार ऐसा होता है कि डिवीजन में हमसे गलती हो जाती है कि हमें ये देखना होता है कि न्यूमरेटर में रैशनल फंक्शन दे रखा है या डिनोमिनेटर में रैशनल फंक्शन। तो यहाँ आप ये देखिएगा न्यूमरेटर में तो वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर रैशनल तो नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो r है ये कितना दे रखा है, ये x/2 दे रखा है, तो ये रैशनल फंक्शन दे रखा है। हम न्यूमरेटर को रैशनल बनाएंगे पहले, कैसे, इसको लिखेंगे v2/1, समझ गए, इसको रैशनल बना लिया। कोई भी नंबर है अगर उसके अपॉन में मैंने 1 लिख दिया तो वो रैशनल नंबर बन गया ना, v2/1 और अपॉन में x/2 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो h2 इज इक्वल टू 2v2 और ये जो बीच वाले नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 1 × x मतलब x मल्टीप्लाइड बाई टी, तो h2 ये क्या हो गया 2v2t/x, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो दिस वॉज ए हीट प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट केस यानी कि सीरीज कनेक्शन वाला केस, और दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड इन सेकंड केस मतलब पैरेलल कनेक्शन वाला केस। तो इन दोनों का रेशो मेरे को निकालना है, तो h1/h2 निकालना है, h1/h2, तो h1 क्या हो गया v2t/2x, v2t/2x मतलब एक रैशनल एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रैशनल एक्सप्रेशन, अपॉन h2 क्या है 2v2t/x, बेटा ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला टर्म जो है वो सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में h1/h2, तो v2t/x अपॉन ये जो बीच वाले टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो 2 × 2 = 4 और v2t और x, ठीक है, v2tx कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आ गया 1/4। तो इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1:2, 2:1, 1:4 और 4:1, ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन ठीक है 1:4। आप ये देखिए ये वाला समझ में आ गया था फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट वाले केस में इन्होंने बोला कि आपका जो लेंथ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और जो मटेरियल है सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब आपका रेसिस्टेंस सेम है दोनों वायर्स का, तो जब दोनों वायर्स का रेसिस्टेंस सेम है तो उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, हाँ दोनों का जब रेसिस्टेंस सेम है तो उसको भी पहले वाले को भी एक्स दूसरे वाले को भी एक्स, तो पहले उनको सीरीज में कनेक्ट करा गया, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, तो r कितना आ गया x+x यानी कि 2x, r की वैल्यू ये आ गई। तो हीट कैसे निकलेगा, पावर इंटू टाइम करके। अब पावर निकालने के लिए मैं देखूंगा मुझे क्या क्या दे रखा है, अगर मुझे वोल्टेज और करंट दे रखा है तो v इंटू i कर दूंगा, अगर वोल्टेज और रेसिस्टेंस दे रखा है तो v2/r कर देंगे, और अगर मान लीजिए करंट और रेसिस्टेंस दे रखा है तो i2/r कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास वोल्टेज है और रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मैंने निकाल लिया पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकाल लिया 2x आ गया, v2/r इंटू टी टाइम टेकन, तो v2t ये मल्टीप्लाई हो गया और r की वैल्यू 2x है, तो ये तो ये आ गया। उसके बाद देखिए जो सेकंड केस है यानी कि पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं रेसिस्टेंसेस को, तो ये x हो गया, ये x हो गया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया 1/r इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2, 1/r इज इक्वल टू 1/x + 1/x, तो क्या हो जाएगा 2/x,
और फिर आर निकालना है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो आर अपॉन वन मतलब आर, और ये टू अपॉन एक्स मतलब इसका रेसिप्रोकल एक्स बाई टू। तो इस केस में भी इन्होंने बोला कि दोनों ही केसेस में आपका वोल्टेज सेम रखना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो एच टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, यहाँ पर भी यूज़ करा, अब वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर ही रहेगा और आर की जगह क्या है एक्स बाई टू। अब नीचे तो रैशनल एक्सप्रेशन आ गया, ऊपर रैशनल नहीं है तो उसको रैशनल बना लिया, कैसे, वी स्क्वायर अपॉन वन कर दिया, नीचे एक्स बाई टू है, इसको क्या करते हैं सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में रख देते हैं, तो टू वी स्क्वायर हो गया। ये जो बीच वाले हैं मतलब ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले का न्यूमरेटर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ये एक्स हो गया इन टू टी, टू वी स्क्वायर टी अपॉन एक्स। तो भाई ये एच टू हो गया और ये एच वन हो गया, उन्होंने यही बोला था कि दोनों केसेस में जो हीट प्रोड्यूस्ड है उनका रेशियो निकालना है, तो एच वन अपॉन एच टू वी स्क्वायर टी अपॉन टू एक्स अपॉन टू वी स्क्वायर टी अपॉन एक्स, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, तो वी स्क्वायर टी इन टू एक्स, वी स्क्वायर टी इन टू एक्स, ये बीच वाले मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो टू टू जा फोर वी स्क्वायर टी एक्स, वी स्क्वायर टी एक्स, वी स्क्वायर टी एक्स, वी स्क्वायर टी एक्स कट गया, वन अपॉन फोर बचा, वन इज टू फोर इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 37 पर हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही है अभी, एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, देखो जी पहला, सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर गिवन बिलो। पहला है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स एटसेट्रा। हीटिंग वायर और कॉइल इज जनरली मेड ऑफ निक्रोम विच ऑफर्स वेरी हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। वो जो हीटिंग वायर होती है वो निक्रोम की बनी होती है, कोई भी ये सोचे कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये प्रेस बनाना ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मोबाइल फ़ोन खरीदने जाओगे 8,000-10,000 इतने का तो आएगा ना स्मार्टफोन आप खरीदने जाओगे, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन खरीदने जाओगे 700-800-1,000 नहीं जी, ये इस पर ये वाली प्लेटिंग कर रखी है, इस पर ये वाली कोटिंग कर रखी है, वो ये 1500 की आ गई बस, उससे ज़्यादा की नहीं आती, तो इलेक्ट्रिक आयरन इतने की आ जाती है। क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है, बाहर तो एक स्ट्रक्चर है, ऊपर एक हैंडल दे रखा है, नीचे एक प्लेट दे रखी है, और उसके बीच में क्या कर रखा है, उसके बीच में निक्रोम की वायर को ऐसे लगा रखा है बस, उसको मेटल की प्लेट से कनेक्ट कर रखा है। तो उसमें है क्या, ये जो निक्रोम की वायर है, ये जो निक्रोम की वायर है इसको कॉइल बोल देते हैं, तो ये हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस है तो ये गर्म होने लगती है, जब ये गर्म होने लगती है तो ये मेटल प्लेट से कनेक्टेड है, ये उसको गर्म कर देती है, मेटल प्लेट को गर्म कर देती है तो प्रेस कर देता है, बस वही है। सेम चीज़ आपका इलेक्ट्रिक हीटर में है, सेम चीज़ इलेक्ट्रिक गीजर में है, सब में यही चीज़ है। आप गीजर भी फैंसी से फैंसी गीजर लेने चले जाओगे तो, क्योंकि उसमें एक स्टोरेज टैंक भी होता है, उसके अंदर नॉजल्स भी होते हैं, कहीं वो लीक ना होने लगे, तो आप बहुत ज़्यादा फैंसी भी लेने चले जाओगे 6,000-7,000 बस, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता वो, तो उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी हीटिंग कॉइल लगी हुई है, तो वो जो हीटिंग कॉइल है वो क्या है, वो वायर है बस, आपने वायर लगा दिया, निक्रोम का वायर बना दिया, तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का अलॉय लगाया है तो थोड़ी उसकी कॉस्ट महंगी हो जाएगी बस। तो करना उसमें कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, बस करंट उसमें जा रहा है वायर में, वायर को वो गर्म कर रहा है, ठीक है। चलिए जी, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपका पहला एप्लीकेशन ये है। दूसरा, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स और इलेक्ट्रिक लैंप्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब तो जानते ही है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, हालांकि आजकल देखने को नहीं मिलते, आजकल ट्यूब लाइट्स हैं, CFLs हैं, LED लाइट्स हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो येलो कलर के जो बल्ब हुआ करते हैं, ठीक है। हाँ, कभी गांव वगैरह जाना होगा तो वहाँ पर बल्ब ही बल्ब नजर आते हैं, हालांकि वहाँ पर भी अब CFL LED आ गई हैं, लेकिन फिर भी बल्ब्स क्योंकि कंपेरेटिवली बहुत सस्ते हैं, 10 रुपये का बल्ब मिल जाता है, LED लाइट लेने जाएंगे 250-300 की आती है, 10 रुपये का आ जाता है, कई जगह तो मिलता भी नहीं है, अब मिलना भी बंद हो गया। उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ होता है, उसके अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है, टंगस्टन का वायर होता है, वो गर्म होता है, और उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो इतना गर्म हो जाता है कि वो, जैसे मान लीजिए हम लोहे को गर्म कर रहे हैं, तो लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा ना वो पहले तो रेड कलर का होगा, फिर येलो कलर का दिखने लगेगा, इतना जब आपने गर्म कर दिया उसको, तो अगर कोई भी चीज़ येलो कलर की दिखने लगेगी तो फिर वो लाइट प्रोड्यूस करने लगती है, येलो कलर की लाइट। तो वही चीज़ टंगस्टन के फिलामेंट के साथ है कि वो गर्म हो जाता है तो येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, ये चीज़ है। जलते हुए बल्ब को कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता, जल जाएगा हाथ, ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं।
अगला यही दे रखा है कि उसके अंदर मेटल कौन सा यूज होता है. टंगस्टन मेटल, टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस. तो 3380 डिग्री सेल्सियस का उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो इतनी जल्दी तो मेल्ट नहीं होता वो, मतलब उसको बहुत ज़बरदस्त वोल्टेज चाहिए तब जाकर वो मेल्ट होगा, नहीं तो मेल्ट नहीं होगा. तो गर्म हो जाएगा और येलो कलर की फ्लेम उसकी आने लगेगी. ये होगा. अब आगे क्या है, इफ एयर इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब देन द एक्सट्रीमली हॉट टंगस्टन फिलामेंट वुड बर्न अप क्विकली इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर. कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है तो वो फिर जल जाएगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर बल्ब के अंदर जरा सी भी एयर चली जाती है तो, एयर में क्योंकि ऑक्सीजन होता है. सो द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद अ केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन और अ मिक्सचर ऑफ बोथ. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशंस में एक तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर वगैरह, इन सब में अलॉय क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हर कोई बता देगा भाई इलेक्ट्रिक हीटर में वही यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन में वही यूज़ हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है तो वो चीज़ आपको बतानी है. उसका रीज़न आप बताएंगे क्यों, क्योंकि उसमें हम निक्रोम का अलॉय यूज़ करते हैं. अलॉय का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और जब रेसिस्टेंस किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, समझ गए. तो क्या यूज़ होता है, निक्रोम का अलॉय, ये याद रखना है. दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब का. तो इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का जो मेटल है, टंगस्टन मेटल हम यूज़ करते हैं, तो टंगस्टन मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस. तो वो बर्न नहीं करेगा, जलेगा नहीं. हाँ इतना ज़रूर है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर बल्ब के अंदर गलती से एयर पहुँच जाए तो क्या होगा. तो आप ये बताएंगे कि जो टंगस्टन का मेटल है इट विल बर्न अप क्विकली. क्यों, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन उसको जला देता है, तो वो एकदम से उसको जला देता है तो बल्ब आपका ख़राब हो जाता है. इसीलिए केमिकली अनरिएक्टिव गैस उसके अंदर भरी जाती है लाइक आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है. उसके बाद अगला देखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जस्ट लाइक, जैसे हम ये देखते हैं ना आजकल अगर आप फ्लैट्स में देखेंगे तो यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर भी है एंट्री पर ये बड़ा सा बॉक्स लगा हुआ है, तो ये जो बॉक्स है ये MCB बॉक्स कहलाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या है कि भाई हम खुद तो तबाह हो जाएंगे, आपको बचा लेंगे, ठीक है, ये वो वाली चीज़ है. तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या है, फ्यूज़ का भी मतलब वही है. तो फ्यूज़ में क्या होता है कि फ्यूज़ का जो मटीरियल होता है, जो वायर होता है ना, वो वायर अच्छी हाई रेसिस्टेंस का वायर होता है. तो जब तक वो रेसिस्ट कर पा रहा है तब तक ठीक है, और जहाँ रेसिस्ट करना उसने बंद करा तो फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ खुद बर्न हो जाता है. अब जैसे ही फ्यूज़ बर्न हुआ, मान लीजिए हम कोई भी डिवाइस चला अगर उसका वायर ही बर्न हो गया तो करंट वहाँ तक पहुँचना बंद, और जो फ्यूज़ है वो मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करा जाता है, मेन सप्लाई से कनेक्ट करा जाता है, तो फ्यूज़ वायर बर्न हो जाता है, जो कि 2 रुपये का आता है, तो वो तो बर्न हो जाता है, और बाकी जो पूरे घर का जो सर्किट है वो बच जाता है ख़राब होने से. कई बार होता है ना कि एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज आ गई ड्यू टू एनीथिंग, कि मतलब मौसम ख़राब है या आंधी चली और तार आपस में चिपक गए, तो उसकी वजह से जो है, उसकी वजह से बहुत हाई वोल्टेज कई बार घरों में आ जाती है, तो डिवाइसेस ख़राब ना हो जाएं, कहीं अचानक से ख़राब ना हो जाएं. इसीलिए जो महंगे जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइज़र आता है ताकि वोल्टेज के फ़र्क को वो झेल जाए. टीवी है, टीवी के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइज़र है. जो एसी है उसके अंदर नहीं आता. तो एसी में आपने देखा होगा जहाँ भी एसी लगाते हैं वो साइड में छोटा सा स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाते हैं, इस वजह से, क्योंकि महंगी चीज़ है, एकदम से ख़राब हो गई तो फिर नुकसान ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यही काम है कि खुद मेल्ट हो जाता है, पूरे सर्किट को बचा लेता है, ठीक है. तो ये हमारे इसके 3 एप्लीकेशंस हैं, और बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो कल पूछना, मैं परसों टेस्ट लूँगा आपका इसका, ठीक. और टेस्ट जो है, क्योंकि कई बच्चों का ना प्री बोर्ड भी चल रहा है, तो टेस्ट अलग अलग टाइम पर ना रखकर एक टाइम पर ही रख लूँ, 8 से 9 एक टाइम पर ही रख लूँ. अगर प्रॉब्लम हो तो अलग अलग रख लेंगे, बताइए, अलग अलग रखना, अलग अलग रख लेंगे. 3:30 भी होगा, 8 बजे भी, ठीक है, 3:30 बजे भी, 8 बजे. कौन सी काम करनी है, पॉलीनोमियल वाली, पॉलीनोमियल वाली 8 बजे होगी, कल तक दे दूँगा. ठीक है, स्टार्टिंग में आ रहा है.